इस निकम्मी आत्मा ने स्वयं वहां गलती की थी। एक पैर पे खड़ा होकर इसने 70 युग तप एक किया, 70 युग एक किया, 64 युग एक किया। परमात्मा के बार बार आकाशवाणी करने पर भी सतर्क नहीं हुआ, फिर भी उस दयालु ने इसको वहीं सतलोक में स्थान दे दिया था कि तू एक कोने में यहाँ पड़ा रहे अपने 21 ब्रह्मांड लेकर। इसने जो डिमांड की थी कि मुझे स्थान अलग दे दो। फिर हमने गलती की थी कि हम परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करके अपने मालिक से, हम अपने मूल मालिक से, अपने स्वामी से हम अपना हृदय हटाकर इस काल के साथ लग गए। ये खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, हम सभी आत्मा इस पर आसक्त हो गए। जैसे ये हीरो और हीरोइन चटक मटक करते हैं अपने पेट के लिए, और ये भोली आत्मा जवान बच्चे उनको पता नहीं हृदय से चाहने लग जाते हैं, और यदि वो आ जावे आसपास किसी शहर में उसको देखने के लिए, और हजारों की संख्या में नो खड़े हो जाए जाके कुछ लेना एक ने देने दो। तो ये बीमारी हमारे वहाँ से लगी थी। तो हम परमात्मा को भूलकर, अपने पति को, अपने स्वामी को भूलकर हम इस नकली पति, इस नकली स्वामी पर आसक्त हो गए। परमेश्वर के बार बार आकाशवाणी करने पर भी हम इस काल से दिल नहीं हटा सके, हम इतने इसके विवश हो गए। इस काल ने डिमांड की थी, परमात्मा मुझे कुछ जीव दे दो। परमेश्वर ने हमसे स्वीकृति ली थी। हम जितने भी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए प्राणी हैं, हम सभी ने परमात्मा के सामने इतनी ढीठता की थी, हम इतने ढीठ हो गए थे, परमात्मा के सामने ही हमने इसके साथ आने की स्वीकृति दे दी। अब जो पतिव्रता पद पर नहीं रहते वो स्वामी के पति के दिल से उतर जाती है वो लड़की। ऐसा ही हमने किया, परमात्मा ने हमें दिल से उतार दिया, हृदय से हमारे को रिजेक्ट कर दिया कि ये निकम्मी आत्मा है। मैं इनको सारी सुविधा दे रहा हूँ, सब सुख है, कोई इनको कष्ट नहीं, और फिर इसको चाह रहे हैं मुझे छोड़कर। फिर भी वो दयालु है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है। काल की डिमांड पर और हमारी स्वीकृति पर परमात्मा ने हम सभी को इसके साथ भेज दिया, और इस दयालु ने एक कृपा की थी हमारे ऊपर, इस काल के ऊपर, कि वहीं सतलोक में एक कोने में स्थान दे दिया था। लेकिन वहां भी इसने एक भयंकर गलती कर दी। ये दुर्गा जो सबसे पहले जिस आत्मा ने काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री रूप बनाकर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को बीज रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, और उसको शक्ति दे दी कि वचन से जितने जीव कहेगी नर और मादा बना सकती है। दुर्गा को काल के पास भेज दिया वहीं सतलोक में, उसके अंदर हम सभी थे। काल ने वहाँ, इसने एक जुल्म किया, इस ब्रह्म ने दुर्गा के साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की, जबकि दुर्गा ने कहा कि मेरे को पिता ने वचन शक्ति दे रखी है, जितने तू जीव कहेगा मैं बना दूंगी, पर यू एक नहीं मान्या, जबरदस्ती करनी चाहिए, तो दुर्गा ने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर परमात्मा से अर्ज लगाई, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तब परमेश्वर जोगजीत अपने पुत्र के रूप में वहाँ प्रकट हुए, दुर्गा को उसके काल के पेट से निकाला, और फिर वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से भी हम सभी को निकाल दिया। सतलोक से हम 16 संख कोस की दूरी पर आ गए। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस का होता है। ये नील पद्म संख 16 संख कोस पर हम यहाँ आ गए, 48 संख किलोमीटर समझो। अपने आत्माओं, इस काल ने इस बात का बहुत दुख माना
कि मेरे को सतलोक से निकाल दिया, अब मैं इन जीवों को इतना तंग करूंगा कि परमात्मा इनके दुख में दुखी रहेगा, चैन से नहीं रहने दूंगा। इस प्रतिशोध में ये हमारे साथ ऐसे जुल्म कर रहा है, ये सत्कर मान लेना। आप तो बालक हो, मनुष्य शरीर मिलता है, आपके ही पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। किसी जन्म में आपसे शुभ कर्म बन गए तो इस जन्म में मनुष्य जीवन में वो बर्बाद करवा देता है। और आज वैज्ञानिक युग हो गया और विज्ञान भी परमात्मा का शत्रु है, जबकि उसी का देन है ये मटेरियल और ये सब जितना भी या खोज है गॉड गिवन मटेरियल से ही हुई है। अब हम इतने छाने बन गए कि क्या भगवान है ही नहीं कहीं, अपने आप संसार बना है, अपने आप परमाणुओं से जुड़कर पृथ्वी बन गई है, ये तो बनावटी बातें हैं। और कहते हैं नर्मदा से अपने आप ही जीव उत्पत्ति हो जाती है, इसमें भगवान का रोल कति नहीं। पुण्यात्माओं अभी तो परमात्मा की आस्था हृदय में है, लेकिन आने वाले 5-4-10 हजार वर्ष के बाद ऐसे सिरफरों की कमी नहीं रहेगी जो ये कहा करेंगे भगवान कहीं नहीं है। आज भी जो विज्ञान को महत्व देते हैं वो लोग भी यही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये काल की व्यवस्था है, ये काल अपना काम करेगा, लेकिन दयाल अपना काम करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज आपके ऊपर मेहर है मालिकी कि आप परमात्मा के चरणों में लग चुके हो और ये काल हमें दुखी करता है। परमात्मा को मालूम था कि ये जालिम व्यक्ति है, इसलिए इसको एक श्राप दे दिया कि तू 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा। अब इस श्रापवश इसने, इसकी मजबूरी है, हमें एक मानव शरीर देता है, अन्यथा ये मानव शरीर भी नहीं देता आपको, ये सत्कर मान लेना। अब मालिक को पता था कि इन्हें गलती जो कर दी सो कर दी, इसका भोगते ही भोगेंगे और मनुष्य शरीर होगा, फिर मैं जाऊंगा इनको अपना यथास्थान बताऊंगा, एकादि पुण्यात्मा को यहाँ सतलोक में लाऊंगा, फिर इनको सच्चाई से परिचित करा के फिर वापस छोड़ दूंगा। वो पुण्यात्मा फिर मेरा गुणगान करके अपने बहन भाइयों को समझाएंगे यथास्थान का, फिर वो प्रमाण देंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, ऐसे तैसे करके इनको मैं फिर ले आऊँगा। इस काल ने हमें इतना ज्ञानी बना दिया कि परमात्मा की परिभाषा बदल दी, और ये कैसे जुल्म करता है। परमात्मा के साथ इसने अपना भाई जानकर, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र कभी जोगजीत के रूप में कभी सहज दास के रूप में यहाँ आते हैं। यदि परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए तो इसका हार्ट अटैक हो जाए इस काल का। उस कबीर परमात्मा से इतना भयभीत रहता है, यहाँ भी आते हैं परमात्मा ऐसे रहते हैं जैसे कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान हो सकता है। अब एक तो कारण ये है कि हमने भगवान की परिभाषा और उनकी वेशभूषा अलग से देख रखी है। एक तो हम परमात्मा की परिभाषा मानते थे भगवान निराकार है, दूसरे फिर हमने भगवानों की वेशभूषा देख रखी, आत्मा त्रिशूल लोक है तो, या तलवार हो जैसे दुर्गा के 8-7 हथियार ले रही है, या भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र हो, हनुमान जी गदा ले रहे हैं, तो इस तरह के जो हथियार युक्त शक्तियाँ थी हमने ऐसी उनकी डेफिनेशन परिभाषा बना ली भगवान ऐसा होता है। और दूसरे परमात्मा यहाँ कहते हैं सोथल छिद्र में करूँ अपने जन के काज, वो ऐसे रहते हैं। तो जब परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में आया, जोगजीत रूप में आए, तो तपतशिला जहाँ ये काल 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वहाँ भूनता है, जलाता है,
तब उसमें से मेल्ट करके गंध निकालता है जो सारे जीवन में ये प्राणी खाता है, और उस गंध को फिर ये शौक से आहार करता है। जीव मरता नहीं, लेकिन तपच्छला यानी जलती हुई उस पत्थर की टुकड़ी पे ये बहुत बुरी तरह तड़फ तड़फ कर बेहोश हो जाता है, और फिर इससे जब गंध निकल जाता है, निचुड़ जाता है, तो इसको वहाँ से फेंक दिया जाता है। फिर जीव मरता नहीं, अपने कर्म आधार पर अन्य जो भी इसने राजा बनना है राजा बन जाता है, स्वर्ग में जाना स्वर्ग चला जाता है, कुत्ते के देख यो नहीं जाना है वहाँ चला जाता है। अपुन आत्माओं, जैसे दास सृष्टि रचना सुनाता है तो कई बोली आत्मा बहुत सी शंकाएँ उत्पन्न कर लेते हैं। शंकाओं का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है। और कहते हैं कि भगवान ने क्या श्राप नहीं देना चाहिए था, परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने इसको श्राप दे दिया 100,000 मानव शरीर धारी जीव खाने का, तो आज ये हमें मार रहा है, जन्म दे रहा है, अन्यथा ऐसा यूं ना करता। इसने तो इससे भी बुरा कर रखा अपने साथ, गधे बना रखे, कुत्ते बना रखे, सूअर बना के गोबर खिला रहा है, और क्या कर सकता इससे ज़्यादा। ये किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, पूरा परिवार का नाश कर दिया, अक्षेत्र के अक्षेत्र को मार कर ख़त्म कर देता है अपने स्वाद के लिए, अपने आहार के लिए। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आपका कि आप जी इस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो, मानव शरीर है। अक्षर ज्ञान परमात्मा ने आपको करवाया है, ये अनिवार्य था, अन्यथा इस अक्षर ज्ञान की हमने कति जरूरत नहीं थी। इस विद्या ने, इस आधुनिक विद्या ने हमें बेईमान बना दिया, हमें वैज्ञानिक बना दिया, जो भगवान से दूर कर रहा है। हमने इसे विज्ञान की कति जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आधुनिक उपकरण बनवाने हमारे लिए अनिवार्य थे, और अक्षर ज्ञान कराना इसलिए आवश्यकता कि हम भगवान को पहचान सकेंगे, अन्यथा इन्होंने हमारा इंडोला बना रखा था काल के दूता ने। किसी ने कुछ भी बता दिया हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमें चाह थी, भूख थी भगवान की। जब से ये आत्मा अपने मालिक से बिछड़ी है, उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि मैं गलत जगह आ चुकी हूँ। लेकिन इस काल ने हमारी इतनी व्यवस्थाएँ बना दी, इतनी मजबूरियाँ बना दी कि हम मर ही जाते हैं, हमारी यहाँ से आस्था नहीं हटती। जब ये मालूम है कि 1 सेकंड में ना जाने कब के बिजली गिर जा, फिर भी हम यहाँ के जुगाड़ से उल्टे नहीं हटते, तो ये जीव के बस का नहीं है। ये तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। सतगुरु मिले तो यहां से मन हटाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये खिलौने दिखाई देंगे, ये सतकर्म मान लेना। आपके हृदय में जगह नहीं रहेगी यहां संसार की किसी भी आइटम की। उसके लिए आप जी ने लगातार ये सत्संग सुनना होगा, सेवा और सिमरन दान धर्म जितना बन सके ये करते रहना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान से भी बात नहीं बनती। ज्ञान तो कुछ दिनों के बाद ज्ञान भी फेल हो जाता है यदि आप पैरेलल भक्ति और दान नहीं करते रहे। परमात्मा कहते हैं धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि जय आत्म भोग। अब ये 5 यज्ञ करवाई जाती हैं जो आपसे, 1 यज्ञ है धर्म की, 2 यज्ञ है ध्यान, 3 यज्ञ हवन की, 4 यज्ञ प्रणाम, 5 यज्ञ ज्ञान की। अब ये 5 यज्ञों की आप जी को आवश्यकता है सतलोक जाने के लिए, यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए। और सतनाम सारनाम ये मंत्र आपको दिया जाता है, ये बीज है, और ये समझो ये तो बीज है, और आपका अंतःकरण खेत है, जमीन है, और बीज बीजने के बाद फिर उसमें सिंचाई और खाद की प्रॉपर आवश्यकता पड़ती है। वो खाद और सिंचाई का कार्य ये धर्म करेगा, 5 यज्ञ करेंगी। यदि बीज बो दिया, खाद पानी नहीं डाला, तो भी बीज अधूरा ही रहेगा, व्यर्थ रहेगा। और यदि बीज नहीं है और केवल खाद पानी डालते रहे,